नमस्कार। गुजरात में आज शाम के 5 बजे तक की COVID-2019 की परिस्थिति इस तरह से है। आज के केस 135 पॉजिटिव केस आए हैं। इनमें 35 इसके अलावा ऐसे लोग हैं कि जो साझे होके, मतलब बिल्कुल चिकित्सा के दरमियान ठीक होके इलाज अच्छे से हो गया है, घर वापस जा रहे हैं। 8 ऐसे लोग हैं जिनका दुखद अवसान हुआ है आज। ये 135 केस अहमदाबाद में से 67, वडोदरा में 1, महिसागर जिले में 9, छोटा उदयपुर में 4, बनासकांठा 1, आणंद में 2 और सूरत में 51, ऐसे करके इसकी ब्रेकअप है। अभी तक के कुल जो 2407 पॉजिटिव केसेस आए हैं, इसमें से कुल मृत्यु जो हुए हैं 103, जो डिस्चार्ज होके घर वापस चले गए हैं 179, और जो बिल्कुल स्टेबल हैं 2107 और वेंटिलेटर पर हैं 13 लोग। अभी तक के जो कुल टेस्ट हुए हैं शुरुआत से 29,421, पॉजिटिव केसेस 2407 और नेगेटिव केसेस बाकी के 27,014, इस तरह से विगत है। और आज खास कहेंगे कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव हमारे डॉक्टर राजेश कोटेचा जी के साथ, वैद्य राजेश कोटेचा साहब के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है, और उसमें भी एक खास एक चीज़ की नोंद उन्होंने भी ली है जो पूरे इंडिया भर के लोगों के साथ शेयर किया गया है, कि हमारे यहाँ जो क्वारंटीन सेंटर्स थे उसमें हमने खास एक प्रयोग किया था कि उसमें से 6,000 स्लाइड अपने लाइए, पहलो स्लाइड इनियन, उसमें 6,000 ऐसे लोग थे जो आयुष की उनको एक उपचार की विकल्प दी गई थी, और उसमें से पाया गया कि लगभग सभी लोग, 6,000 उपरांत लोग जिन्होंने इस ऑप्शन को चुना था, उनको क्वारंटीन में रह के ये लेने के बाद उनकी टेस्ट पॉजिटिव नहीं हुई। 11 ऐसे लोग हुए कि जिनकी टेस्ट पॉजिटिव हुई थी, परंतु ये भी इस संशोधन या इस छोटे से एक्शन रिसर्च के दरमियान हमने नोट की है कि 11 लोगों को सिर्फ 3 दिन, वैसे 7 दिन तक ये लेना होता है, पर 3 दिन तक ही उन्होंने ली थी, फिर ये नेगेटिव आया था, पॉजिटिव आया था उनका। लेकिन बाकी सब 6,210 जितने लोगों में ये एक हमने एक इनिशिएटिव पहल शुरू की थी, इनमें से 11 लोगों को छोड़कर बाकी सब के टेस्ट नेगेटिव आए थे। तो इस चीज़ की भी नोंद राष्ट्रीय स्तर पर ली गई है। नमस्कार।